वेलकम बैक टू अदर फेसबुक सब्सक्राइब ब्लॉग वीडियो एवरीवन। और आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले तो जो मैं काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैं अपनी एक्सेसरी बैग को अपग्रेड करने वाला हूँ। एक्सेसरी बैग को नहीं, टेलिस्मैन्स लगाने वाला हूँ, यू नो टेलिस्मैन। तो अभी ऑफ कैमरा मैं एक काम कर रहा था, ये देखें इनको मैंने मैक्स किया एंड अब मुझे कितने चाहिए, 4 मोर, यू नो। उसके बाद वह 26 मिलियन स्लॉट अनलॉक हो जाएगी और एक वैसी उधर लगी हुई है, तो ये भी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा ये चेक कर लूँ कितना टाइम रहता है अगर हम यहाँ पर कम्युनिटी इसमें जाएँ। 3 दिन पड़े। अच्छा, तो सबसे पहले हमें जी बाय करना है टैलिस्मैन। कितने हमें चाहिए अगर हम यहाँ चलें, लेट मी सी। चलो भाई, 6 टैलिस्मैन हमें चाहिए। तो किस तरह के टैलिस्मैन बाय किए जाएँ, हेयर स्ट्रिंग तो ऑलरेडी लगी हुई है। फिश एफिनिटी टैलिस्मैन एक होना चाहिए, लेट मी सी, फिश एफिनिटी टैलिस्मैन है मेरे पास कि नहीं है। अगर हम यहाँ से चलते हुए जाएँ और देखें कि कहीं फ़िश एफिनिटी टैलिस्मैन हमारे पास नहीं है, तो हमने और कुछ नहीं करना, यहाँ से जाना है अपने बैंक के अंदर और यहाँ से 5 मिलियन निकाल लेना। 5 मिलियन तो निकल गया, तो अब फ़िश एफिनिटी टैलिस्मैन किधर है, यहीं कहीं पड़ा था, देखा था अभी। ये वाह, ये है, चलो बाय कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं ख़ुद बनाऊँ तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन चलें अब क्या कर सकते हैं। और आगे चलें तो सी क्रिएचर आर्टिफैक्ट, ये भी नहीं है मेरे पास, आई थिंक सो नहीं है मेरे पास। एक दफ़ा डबल चेक कर लेते हैं, सी क्रिएचर आर्टिफैक्ट नहीं होगा मेरे पास, ये नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी बाय कर लेते हैं, सी क्रिएचर आर्टिफैक्ट। ओके नाइस। तो अब हिसाब कुछ ऐसा है कि इसको इधर लगा लेते हैं, अब हिसाब कुछ ऐसा है कि यहाँ ग्रीन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये यहाँ कौन सा होना चाहिए, ग्लेशियर आर्टिफैक्ट, वुल्फ रिंग या ग्लेशियर आर्टिफैक्ट, लेट मी ज़रा डबल चेक। वुल्फ रिंग तो हमारे पास आई थिंक सो है, ठीक है, अच्छा ये तो अपग्रेड किया हुआ है। अगर हम चलें, वुल्फ रिंग है हमारे पास, नहीं वुल्फ रिंग भी नहीं। और चलो यार ये लो, एक मिनट, वुल्फ रिंग नहीं, ग्लेशियर आर्टिफैक्ट, अभी मैं पैसे नहीं ज़ाया करना चाह रहा, ग्लेशियर आर्टिफैक्ट बाय कर लेते हैं ना। अब हम एक और काम करते हैं कि यस अनकॉमन पे आते हैं। अब अनकॉमन के अंदर हमारे पास क्या क्या नहीं है, लावा टेलीस्मैन तो आई थिंक सो लगा हुआ है, यस आई शुड बाय हीलिंग रिंग ना, पैसे ज़ाया करने थे लेकिन चलो, ग्लेशियर आर्टिफैक्ट या तुम इधर आ जाओ मेहरबानी ना। अच्छा ग्लेशियर आर्टिफैक्ट तो आ गया, हीलिंग रिंग हमारे पास है नहीं। चलो अब हमें 2 और चाहिए, अब 2 और जो है हमें बाय करने पड़ेंगे। फिश एफिनिटी टैलिस्मैन तो मैंने ऑब्वियसली भी बाय किया, कैंडी रिंग भी पड़ी है मेरे पास, वुल्फ रिंग, वुल्फ रिंग ही बचती है फिर इसके बाद मेरे लिए। टाइटेनियम इधर आ गया, वुल्फ रिंग बचती है, यस। तो चलो जी वुल्फ रिंग बाय कर ली जाए फिर, यही है, बड़ा कोई ख़र्चा हो गया मेरे पास। लो भाई एक दफ़ा पैसे तो, वाह पैसे बड़े ज़ाया कर लिए मैंने। और अगर अभी हम चले, ओ यार लो बॉलर्स, वापस आओ पैसे, कहाँ 50, ओह बहुत पैसे ज़ाया किया, हमारी मैजिकल पावर कितनी है, लेट मी एक्चुअली सी, अभी भी इतनी है 387। अपग्रेड मारने पड़ेंगे सारों को, रिकॉम्प करना पड़ेगा, यही है, खैर अभी नहीं कर रहे। तो ये मैंने शुगर केन मिनियन वगैरह लगाए थे, तो मेरे ख्याल शुगर केन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आई थिंक सो जहाँ तक मुझे याद है कि डर्ट चाहिए होती है, आई थिंक सो। यार अब फिर पैसे निकालो, आओ भाई विदड्रॉ 50K कर लेते हैं, इतना तो होना ही चाहिए पास, पाजी तू सावे लूट लो सानू। हाँ शुड आई इवन बॉदर अनलॉकिंग अनदर स्लॉट,
आई डोंट थिंक सो अभी के लिए, क्योंकि यहाँ से ये पोटैटो मिनियन मेरा हो गया था, इसको निकाला जा सकता है। कलेक्शन पोटैटो मिनियन, 10K फार्मिंग एक्सपी मिल जाएगी, और 10K अगर फार्मिंग एक्सपी मिलेगी तो कलेक्शन में चलें, और फार्मिंग तुम लोग इधर आ जाओ, एंड तुम डर्ट भाई इधर आ जाओ। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।